सवा एक। सो वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीसी पंजाबी बॉय। और पंजाबी बॉय अपनी चटोरी दिल्ली को आज चटोरी दिल्ली का नज़ारे दिखाने के लिए लाया है बुद्ध बाजार में। बुद्ध बाजार है गांधीनगर में, जहाँ पे बहुत मशहूर है मोट कचौड़ी और छोले भटूरे नाम से बिकते हैं। आइए मैं दिखा दूँ कहाँ पे है। ये है नागपाल दी हट्टी। तो आज हम आए नागपाल की हट्टी पे, तो पूछते हैं इनके ऑनर से क्या क्या ये रखते हैं, क्या क्या टाइमिंग है, क्या क्या रेट्स हैं, और यहाँ पे लोगों इनका रिव्यू भी लेते हैं। तो आइए चले लेके चलते हैं आपको नागपाल की हट्टी पे अंदर। भैया आपका शुभ नाम? शुभम। शुभम भैया, शुभम भैया आप यहाँ कब से आ रहे हैं? 15 साल तो हो गए। 15 साल हो गए हैं कम से कम। कम से कम कैसा लगता है आपको टेस्ट? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, लाजवाब टेस्ट है यहाँ का, लाजवाब। ठीक ठीक, कहीं पे भी हो खाने के पर आप तो छोले भटूरे खाते हैं या? मैक्सिमम छोले भटूरे खाते हैं, कभी कभी मोड़ के छोले भी टेस्ट करते हैं, भटूरे यहीं पे खाते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच भैया। भैया आपका शुभ नाम? सुखमीत सिंह। सुखमीत, सुखमीत पाजी आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं 2015 से आ रहा हूँ यहाँ पे। 2015 से? हाँ जी। तो कैसा लगता है आपको टेस्ट? मैं जी बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, 5 साल होने वाले हैं पर टेस्ट में कोई कमी नहीं है, टेस्ट वैसे का वैसे गया। मैं पहली बार अपने फादर के साथ आया था, तो उसके बाद मेरा हर हफ्ते होता है गांधीनगर चक्कर, तो मैं यहाँ पे आके लंच मेरे यहीं। आप कहाँ से आते हैं? मैं करोलबाग से आता हूँ। लोकल ही नहीं, लोग बाहर से भी ऑल ओवर दिल्ली से यहाँ पे आते हैं, टेस्ट इतना बढ़िया है, क्वालिटी मेंटेन करके रखी है। आपका शुभ नाम? नवीन नागपाल। क्या क्या रखते हैं आप? छोले भटूरे, मुल्तानी मोट कचौड़ी, चावल छोले, पालक चावल, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन भी है, मुल्तानी मोट कचौड़ी के नाम से तो मशहूर रही है, साथ में छोले भटूरे ज़्यादा जो बिकते हैं। कितना साल तो दुकान है, कितने सालों का काम कर रहे हो? लगभग 50 साल हो गए ने, तीसरी पीढ़ी भी साड़ी इस दुकान पर आ गई है, 50 साल तो सेवा करते आ रहे हैं। कमाल है, 50 साल हो गए इस दुकान को। आपकी टाइमिंग क्या है? सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक। सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक। रेट क्या क्या है ये छोले? छोले भटूरे के 70 रुपये प्लेट है, कचौड़ी की 60 रुपये प्लेट है, चावल की 60 रुपये की है, गुलाब जामुन 30 रुपये है। आप हाफ प्लेट भी रखते हैं? फुली है, हाफ प्लेट भी है। हाफ प्लेट, हाफ प्लेट के क्या रेट है वो जी? छोले भटूरे में 40 है, कचौड़ी 35 की है, चावल 40 के हैं, गुलाब जामुन 15 रुपये है। किसी को ज़्यादा भूख नहीं है तो आप सिंगल भटूरा और सिंगल कचौड़ी भी ले सकते हैं और सिंगल गुलाब जामुन भी ले सकते हैं। एक बार दुकान का प्रॉपर पूरा एड्रेस डाल दोगे, लोग को अगर बाहरों आन तो उन्होंने तकलीफ ना आए आने। शॉप नंबर 131 बुद्ध बाजार, वीर सावरकर मार्केट, नियर महिला कॉलोनी फर्नीचर मार्केट। एक्चुअली बुद्ध बाजार पड़ता है गांधीनगर एरिया के अंदर, और दिल्ली 31 फर्नीचर मार्केट के पास ही बुद्ध बाजार है, वहाँ पे है नागपाल की हट्टी। अगर कोई ऑनलाइन मंगाना चाहे तो ऑनलाइन भी सर्विस अवेलेबल है? ऑनलाइन सुविधा जो है स्विगी से उपलब्ध है, जिसकी रेंज लगभग 10 किलोमीटर। अगर आप 10 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं तो आपको आने की भी नीड नहीं है, आप स्विगी पे ऑर्डर दे सकते हैं। तो बहुत ही बातें भी बहुत हो गई, टेस्ट भी पूछ लिया, अब रुका नहीं जा रहा। मेरे लिए पहले सिंगल भटूरा लगवा दीजिए, फिर सिंगल कचौड़ी लगवा दीजिए। ठीक है जी, बैठो आप। छोले देख रहे हैं? छोले, क्या बात है, क्या बात है, मतलब एक एक छोला मुँह से बोल रहा है कि मैं छोला हूँ। ये है पालक कोफ्ता, जो छोलों में डाल के देते हैं। देख रहे पालक का कलर, देखिए कलर। ये आलू जो छोलों के ऊपर भटूरे के साथ देते हैं। ये है मोठ, इनके मोठ देखिए, मोठ की दाल बहुत मशहूर है बुद्ध बाजार के अंदर, मतलब आप कहीं से भी पूछेंगे बुद्ध बाजार की कचौड़ी तो नागपाल दी हट्टी। ये मसाला ये डालते हैं, सीक्रेट मसाला है इनका, ये सिर्फ मसाले का कमाल होता है। जो ये चटनी, चटनी किस चीज़ की है? खटाई है। ठीक ठीक, इमली की चटनी होती है ये? इमली की चटनी होती है। और ये सैलेड है, अचार, हरी मिर्च। और ये जो सैलेड है मसाले वाली है, ये देते हैं कचौड़ी के साथ। क्या बात की प्लेट, उसके बाद लगेगी हमारी प्लेट। क्या बात, ये हमारी प्लेट, क्या बात है। छोले के ऊपर आलू है, पालक है और कोफ्ता है। आजकल प्याज का रेट आपको पता ही है, साथ में है मूली, चटनी, हरी मिर्च, गाजर का अचार, आंवले का अचार भी है। क्या बात है। और भटूरा मैं आपको अभी दिखाता हूँ, भटूरा एकदम फूला हुआ भटूरा है, गर्मा गर्म। मैं आपको दिखाता हूँ भटूरा, ये देखिए भटूरा अंदर से देखिए, पनीर की कितना, कितनी अच्छी फीलिंग है पनीर की। क्या बात है, धुआं निकल रहा है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ भटूरा की, भटूरा है कैसा। Thank you.
भटूरा बिल्कुल बाहर से करारा है, अंदर से सॉफ्ट है, और जो छोले हैं छोलों में मिर्ची नहीं है ज़्यादा, मिर्ची मैंने साथ में लगाई है तो हल्की सी लग रही है, अदरवाइज़ छोलों में बिल्कुल भी मतलब तीखे नहीं है छोले, अच्छे मसाले, अलग अलग मसाले का फ्लेवर आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। एक बाइट और लेके बताते हैं, सिर्फ मूली नहीं है, मूली के साथ प्याज भी है, मिक्स सैलेड टाइप बना रखी है, प्योर पुदीने की चटनी है, अच्छी लग रही है खाने में, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, पुदीना है, अनारदाना डाला हुआ है, और जो छोले हैं उनमें मसाले इक्वल डले हुए हैं, कोफ्ता बेसन का बना हुआ है और सॉफ्ट है बिल्कुल, कोफ्ते में चम्मच मारा मैंने, ओए होए बिल्कुल सॉफ्ट कोफ्ता बना हुआ है, देखिए मतलब छोलों में मिक्स हो गया कोफ्ता। ये आ गई अपनी मोट कचौड़ी, क्या बात है, मोट में मसाला जो इनका सीक्रेट मसाला था वो, और थोड़ी सी खटाई, चावल, प्याज, प्याज भी इसमें मसाले वाले डलते हैं, और साथ में कचौड़ी। अब टेस्ट करते हैं कचौड़ी का कि कचौड़ी का कैसा टेस्ट है। कचौड़ी की क्रिस्पीनेस बहुत है, क्या बात है, मतलब एकदम खस्ता कचौड़ी है और एकदम उंगली मारती टूट गई कचौड़ी, बहुत सॉफ्ट कचौड़ी है। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कचौड़ी के अंदर, ये देखिए, ये भरते हैं दाल मोट, और ये मोट कचौड़ी पूरे गांधीनगर में मशहूर है, दूर दूर से लोग आते खाने के लिए। मिर्ची ज़्यादा नहीं है, पहले मिर्ची बहुत होती थी, अब मिर्ची इन्होंने कम कर दी डालनी, और मोट बिल्कुल गर्मा गर्म है, अच्छी तरह पके हुए हैं, कब तीखा खट्टा हल्का टेस्ट बढ़िया आ रहा है। लोग तो क्या करते हैं मोट के बीच में कचौड़ी तुड़वा लेते हैं। आखिर खाने के बाद ही पता लगा कि लोग यहाँ क्यों आते हैं, वाकई में गजब का टेस्ट था, मतलब जिस हिसाब से टेस्ट है ना उस हिसाब से आपका आना तो एक बार बनता ही बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो लोग इस चैनल वीडियो को नया देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच गाइज, अब करते हैं इस वीडियो को एंड। खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो, गाजियाबाद रहो, हेल्दी जियो, हेल्दी खाओ और एंजॉय करो ईच एवरी सेकंड ऑफ लाइफ। ओके, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।